रोबोट सास। शहर में रिश्तों की कमी और अपनों के प्यार की कमी लगभग हर घर में है। किसी को अकेलापन अच्छा लगता है तो किसी को ये काटने दौड़ता है। देखो राधा, तुम भले ही गांव की हो लेकिन यहाँ शहर में सभी को साथ लाकर रखना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन प्लीज किसी को तो बोलो हम लोगों के साथ रहे। तुम सारा दिन ऑफिस और मैं घर पर पकती रहती हूँ। अरे तो किसी सहेली को बुला लिया करो, बातें कर लिया करो। किसको बुलाऊं? कब तक बुलाऊं? तुम सासू माँ को बोलो ना आकर यहाँ रहे। ठीक है, बात करता हूँ मैं उससे। रवि ऑफिस चला जाता है और अपने दोस्त से कहता है, यार बीवी ने माँ को शहर बुलाने की जिद कर रखी है। अब सोच रहा हूँ कि ऑफिस से दूर जाकर कहीं कोई घर ले लो किराए में। अब दो कमरे का मकान तो पास में महंगा ही पड़ेगा ना। पर यार, गांव की लड़कियों को शहर शादी करके लाओ तो यही दिक्कत होती है। वो लोग समझ ही नहीं पाती कि शहर की जिंदगी कितनी मुश्किल है। अपनी 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 परेशानी है। अब मेरे वाले को देख लो, माँ के ऑपरेशन के लिए 2 हफ्तों के लिए लेकर आया था। बीवी ने तो इतना हंगामा किया कि माँ को 1 हफ्ते में ही वापस भेजना पड़ गया। सोच रहा हूँ कि माँ को फोन करूँ और कहूँ कि आ जाओ। क्या पता सास की चिक चिक सुनकर वो भी माँ को गांव भेज दे। आखिर औरतें तो औरतें ही होती है ना। किसे सास के साथ रहना पसंद होगा। बात आई गई हो जाती है। राधा रवि के पीछे एक बार फिर पड़ जाती है। वो 210 वाली है ना? हाँ, क्यों, क्या हो गया उसे? उसकी सास कल आने वाली है। बड़ी खुश थी कि वो अब दिन भर बच्चे को सास के पास रखकर घुमा फिरा करेगी। लेकिन हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारी सास कब आएगी कि ये सुख हम भी ले सके। देखो मैं माँ से बात कर लेता हूँ, लेकिन माँ हमेशा के लिए कैसे आएगी? और तरकीब सोचो ना। एक काम करो ना, मुझे गांव छोड़ दो, मैं चली जाती हूँ। कम से कम सास का सुख तो देख लूंगी। लेकिन ऐसा कहाँ हुआ कि कोई सास बहू एक साथ सुख से रहे। रवि तो जानता था सब, लेकिन करता क्या। पर कहते हैं ना, पति का दिमाग है, चलेगा तो सही। एक आइडिया आया है, क्यों ना मैं माँ की शक्ल सूरत का एक रोबोट ला कर दे दूँ जो राधा के साथ बिल्कुल सास वाला व्यवहार करे। मजा ही आ जाएगा। न माँ को लाने के झंझट, न सास बहू की किचकिच। रात को स्विच ऑफ करके अलमारी में पैक, बस फिर क्या था। अगले दिन जैसे ही घर की घंटी बजती है और राधा दरवाजा खोलती है, साथ में खड़ा होता है रवि और साथ में होती है रवि की माँ यानी कि राधा की सास। माँ जी, मुझे तो मेरी आँख पर विश्वास नहीं हो रहा, कितना अच्छा सरप्राइज है। आइए माँ, आइए। मुझे भी अच्छा लग रहा है, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ, मैं भी खुश हूँ। दरअसल रोबोट सास की बैटरी ढीली होने के कारण वो एक वाक्य को रिपीट करने लगती है। माँ जी इतनी खुश है कि बार बार दोहराए जा रही है कि खुश है, खुश है। मैं भी पानी लाती हूँ। राधा पानी लाने जाती है कि पीछे से रवि सास की बैटरी टाइट कर देता है और ऑर्डर का प्रोग्रामिंग ऑन कर देता है। पानी लाओ, चाय लाओ, खाना लाओ, मेरे बाल झाड़ो, मेरे कपड़े धो, मेरी चप्पल कहाँ है लेकर आओ। अरे ठीक है माँ जी, सब ला रही हूँ। मैं जानती हूँ रवि आपको प्रोग्रामिंग करके लाए ना कि आप मुझे तंग कर दे और मैं आपको जाने को बोल दूँ। नहीं माँ जी, इस बार मैंने भी कमर कस रखी है। प्रोग्रामिंग कैसे लैंग्वेज यूज कर रही हो? माँ का रोबोट थोड़ी ना है जो मैं प्रोग्रामिंग करूँगा। अरे मजाक कर रही हूँ, माँ तो माँ होती है, मैं जानती हूँ। राधा सास के साथ खुश रहती है, उनके साथ बातें करती, घूमने जाती है और आसपास के लोगों से मिलवाती। लेकिन एक दिन, अरे कभी तुम लोगों को लड़के नहीं देखा, इतनी तो तू-तू मैं-मैं माँ बेटी में भी हो जाती है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल ताना नहीं देती। हाँ ये तो है, ताना तो नहीं देती लेकिन ऑर्डर बड़े बड़े देती है। अरे ना मानना, 2-4 ऑर्डर अपने आप ठीक हो जाएंगी, तभी दिखेगा असली रंग। कौन सा तेरे बुलाने पर आई है, बेटे के बोलने पर आई होगी बुढ़िया। बात तो सही है, लेकिन यार कोई बात नहीं ना, सास लड़ाई करे भी तो कोई परेशानी नहीं है। कितना ख्याल।
की तरह खड़ी है। ये तो है, लेकिन तेरी सास तो बिल्कुल नहीं लड़ती, ये कैसे है मुझे क्या। पड़ोसन तो चली जाती है, लेकिन राधा के मन में सवाल छोड़ जाती है कि ये सास सास है भी कि नहीं। रात में राधा रवि से कहती है, मैं ना माँ जी के पैर दबा कर आती हूँ। लेकिन वो तो मैंने अलग कर दिया। क्या क्या कैसे कहा? नहीं मेरा मतलब कहा कभी माँ का पैर गांव में रहा करता था, तो मैंने खास कर मतलब माँ को शहर ले आया ना। ओ ओके ओके। रवि चैन की सांस लेता है कि चलो कुछ तो बहाना मिला, लेकिन कब तक। रवि रोज माँ के पैर दबाने के बहाने रॉबर्ट को कमरे में ले आता और डिसमेंटल करके रख देता। एक रोज, मैं आज माँ जी की कोई बात नहीं मानूंगी, देखती हूँ कैसे नहीं लड़ती। अरे ऐसी भी सास किस काम की जो खटर पटर ना करे। सास का डिमांड मोड ऑन होता है, खाना दे दो, पानी दे दो, नाश्ता चाहिए। लाई माँ जी। मैं ना देने वाली खाना पानी। लेकिन समय बीतता जाता है, दोपहर और फिर शाम और फिर रात। बहू सास को कुछ नहीं देती, लेकिन रॉबर्ट सास कुछ नहीं कहती। रात को जब रवि घर आता है, राधा रो रही होती है। अरे क्या हो गया? तुम्हारी माँ ने मुझसे लड़ाई की, खूब खरी खोटी सुनाई। मैंने तो आज सुबह से खाना भी नहीं खाया है। रवि समझ जाता है कि राधा झूठ बोल रही है, क्योंकि खरी खोटी वाली प्रोग्राम तो उसने की ही नहीं थी। मैं माँ से बात करता हूँ, तुम परेशान मत हो। रवि रॉबर्ट माँ को लेकर कमरे में चला जाता है। वो उसे डिसमेंटल करके रख ही रहा होता है कि राधा चलकर देखती हूँ माँ जी कहीं रवि को मेरे खिलाफ भड़का तो नहीं रही है। वो जैसे ही कमरे के अंदर जाती है डर जाती है। सास के पुर्जे पुर्जे अलग थे। रवि ये क्या है? ये माँ रॉबर्ट थी, तुमने ऐसा क्यों किया रवि? कुछ नहीं राधा, मैंने जितना अपने दोस्तों से सुना था कि शादी के बाद वैसे तो सब ठीक रहता है, लेकिन जब माँ और बीवी लड़ते हैं तो पति का बुरा हाल कर देते हैं, और मैं ना सुकून से रहना चाहता था, बस इसलिए।